नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको और एक बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके घर में सूखा हुआ भुट्टा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको उसी सूखे हुए भुट्टे से एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, बहुत ही कम तेल में बनने वाली नाश्ते वाली रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो यकीन माने आपने इतनी स्वादिष्ट भुट्टे से रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ एक भुट्टा लिया है जो पूरी तरह से सूख चुका है। तो सबसे पहले अभी हमें इस भुट्टे के सारे दाने निकाल लेने हैं। तो यहाँ मैंने भुट्टे के सारे दाने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सर का बर्तन लेना है और उसमें हमें ये सारे छिले हुए दाने डालने हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक केला लिया है। फिर हमें इस केले के छोटे छोटे पीसेस करके इस मिक्सर के बर्तन में डालना है। फिर उसके बाद हमें स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें आधा कप बारीक कटके हुए हरी धनिया डालने हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें 8 लहसुन की कलियां डालनी हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक टमाटो को बारीक पीसेस में कट किया है तो वो हमें इसमें डालना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक प्याज को बारीक पीसेस में कट किया है तो वो प्याज हमें इसमें डालना है। फिर आखिर में हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स में आधा कप पानी डालना है और इसका हमें एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। फिर उसके बाद अभी हमें इस पेस्ट को एक बाउल में निकालना है। तो यहाँ मैंने सारे पेस्ट को एक बाउल में निकाल लिया है। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 कप गेहूं का आटा डालना है। तो आप गेहूं के आटे की जगह इसमें चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें आधा गेहूं का आटा और आधा चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। फिर आखिर में हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स में स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर हमें इसमें 1 कप पानी डालना है और इसका हमें एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। तो हमें इसका ज़्यादा पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी यहाँ ये सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और ये अभी बैटर बन के तैयार हो चुका है। फिर आगे की प्रोसेस के लिए हमें गैस पे एक तवा रख देना है और उसमें हमें सबसे पहले घी या तेल डालना है। फिर उसके बाद अभी हमें इस बैटर के इस तवे पे पराठे डालने हैं। और इन पराठों को हमें दोनों तरफ से तेल या घी लगा के ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो अभी ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है। फिर हमें इसके ऊपर तेल लगाना है। फिर उसके बाद अभी हमें इसे चम्मच से पलट देना है और इसे हमें दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। तो हमें इसी तरह ही ये सारे पराठे बना लेने हैं। तो आप इस बैटर के अप्पे भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके पराठे भी बना सकते हो, अप्पे भी बना सकते हो। और आप इस नाश्ते को गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड वॉच माय वीडियो।